नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मधुकामनी का पौधा, जिसमें अगर आपके मधुकामनी में फ्लावर्स नहीं आते हैं तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और नवंबर लास्ट तक आपके मधुकामनी में फूल ही फूल दिखाई देंगे। तो कैसे इसकी केयर करनी है, क्या कंपोस्टिंग करनी है, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो बारिश में इसमें देखिए इतने सारे फ्लावर्स कैसे आ रहे हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मधुकामनी, जिसको हम कामनी भी बोलते हैं या मुरैया भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। हार्डी प्लांट क्या, जिसे आप टिपिकल हार्डी प्लांट कह सकते हैं, जो कि फुल डे सनलाइट चाहिए इसको और अच्छी मात्रा में पानी की भी आवश्यकता होती है इसको। तो आप इसके जो सॉइल मिक्सर बनाइए वो तो एज यूजुअल की आपको अच्छी ड्रेनेज के साथ सॉइल बनाना है, और उसमें जो है आपको वाटरिंग का खास ख्याल रखना है। अभी फिलहाल बारिश का टाइम चल रहा है तो आपने बाहर रख रखा है, और अगर इसमें बारिश का पानी गिर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, वाटरिंग नहीं करनी है। पर अगर बारिश नहीं हो रही है आपके यहाँ तो इसमें वाटरिंग का आपको खास ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ कि पौधे को कम से कम 6 से 7 घंटे की दिन भर की सनलाइट चाहिए, जिसमें ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई इसकी, मैं टिपिकल हार्डी क्यों बोल रहा था इसलिए ये बता दिया मैंने। दूसरी चीज़ कि ये पौधा जो है हमारा, ये ड्वार्फ वैरायटी का पौधा है, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं होता है गमले में, तो गमले में लगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट होता है। और इसके लिए आप जो पॉट साइज़ ले सकते हैं वो 8 से 12 इंच के बीच का ले सकते हैं, प्लास्टिक हो, सीमेंट हो या फिर मिट्टी का हो, कोई पॉट्स हो उसे आप ले सकते हैं और इसमें इस पौधे को लगा सकते हैं। अब मैं इसकी जो फ्लावरिंग सीज़न बता दूँ, फ्लावरिंग सीज़न जो है वो गर्मियों का होता है, अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है फ्लावरिंग इसमें और नवंबर तक चलती है। तो इस बीच में ये कई बार फ्लावरिंग होती है इस पौधे में, और फ्लावरिंग जो होती है देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में होती है, और जितना खूबसूरत इसके फ्लावर्स इसके पौधे पे लगते हैं उससे ज़्यादा ये खुशबू आपके गार्डन में महकाते हैं। बहुत ही खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं इसके, ये देखिए वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, और जितनी फ्लावर्स हैं उतने ही अभी नए बड्स भी इस पौधे में लगे हुए हैं। तो गुच्छों में इसके फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में भी गार्डन को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं, और साथ में जो इसकी खुशबू निकलती है उससे गार्डन और ज़्यादा खुशनुमा होता है। तो ये तो हो गई दोस्तों इसके फ्लावरिंग सीजन की। अब बात करते हैं कि फ्लावरिंग टाइम में इसकी केयर कैसे करनी है। तो जब इसमें देखिए इस प्रकार से फ्लावर्स आते हैं गुच्छों में, और फ्लावर्स आ जाने के बाद जो ये फ्लावर्स सूखते हैं या गिरते हैं तो इनको आपको जो है यहाँ से हटा देना होता है, ताकि जो नए फ्लावर्स आएँ उन्हें एनर्जी मिल सके, स्पेस मिल सके, प्लांट की एनर्जी इसमें वेस्ट ना हो और इसकी वजह से कोई रोग प्लांट में ना आए। फिर दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि इसकी प्रूनिंग या पिंचिंग कब करनी चाहिए, हार्ड प्रून करें या सॉफ्ट प्रून करें। तो दोस्तों, नवंबर के बाद से ये पौधा डॉर्मेंसी में चला जाता है, सर्दियों में पौधा डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है जिसमें इसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। तो उस टाइम में ना तो आपको इसमें कंपोस्टिंग करनी है ना ही इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। इसकी प्रूनिंग कब करनी है आपको, फरवरी लास्ट में, यानी कि जब आपके यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट होने लगें। अगर आपके यहाँ मार्च में गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मार्च में, फरवरी में होती है तो फरवरी में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग या सेमी प्रूनिंग कर सकते हैं, सेमी हार्ड प्रूनिंग, जिसमें आप पौधे को अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं, कहाँ से आपको कितनी ब्रांचेस कट करनी है, जिससे जो नई ग्रोथ पौधे में आएगी वो जैसी आप उसको शेप देंगे उस हिसाब से शेप में ढल के आएगी। उसके बाद दोस्तों, जो नई ग्रोथ होती है उसमें इस तरह से बड्स आते हैं, और बड्स आने के बाद उसमें फ्लावर्स खिलते हैं। फ्लावर्स खिलने के बाद इसकी जो टिप होती है, टॉप मोस्ट टिप जो होती है, उसे आपको पिंच कर देना होता है। पिंच कर देने से नई ग्रोथ निकल के आती है साइड से, और पौधा और ज़्यादा बूसी होता है और नई ग्रोथ में और ज़्यादा बड्स आते हैं, उनमें ढेर सारे फूल खिलते हैं। दोस्तों, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है। अब बात कर लेते हैं इस मौसम पर भी, चूँकि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि बारिश का मौसम है हर जगह, आप सभी के यहाँ बारिश हो रही है। तो बारिश में क्या होता है दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं काफ़ी पौधे हमारे ख़राब होने लग जाते हैं, पर ये पौधा देखिए इतनी बारिश के बाद भी काफ़ी हैवी फ्लावरिंग पे है। तो बारिश में आपको बस जो दो चीज़ें ध्यान देने की हैं वो ये हैं कि इसमें जो है पानी रुके ना इसके गमले में, मिट्टी आपको ऐसी रखनी है कि पानी ड्रेन हो जाए,
रुकनी नहीं चाहिए। और अगर पानी रुक रहा है तो आपको इसकी ड्रेनेज होल के चेक कर लीजिए और मिट्टी में किसी लकड़ी की मदद से या किसी चीज़ की मदद से हल्का छेद कर दीजिए, पानी निकल जाएगा। अब दूसरी चीज़ की आपको जो है एक फंगीसाइड का स्प्रे इस पर कर दीजिए, ताकि जो बारिश का पानी रुकता है, अगर लगातार बारिश हो रही है तो पत्तों पे रुकता है या फूलों पे रुकता है, उसकी वजह से एक फंगस निकल के आता है, तो उस फंगस से आपके इस प्लांट को बचाएगा। बाकी आपको इस पौधे पे कुछ भी नहीं करना है, बारिश में बहुत ही अच्छी तरह से खिल के इसमें फूल खिलेंगे। अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता दूं इसमें कंपोस्टिंग का क्या सिस्टम है। तो कंपोस्टिंग का देखिए दोस्तों, बारिश के टाइम में भी मैं आपको कंपोस्टिंग बताऊंगा और बारिश के अलावा जो गर्मियों में भी इसकी कंपोस्टिंग कैसे देनी चाहिए। जब आपका पौधा फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो इसमें पोटेशियम और फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, और जो इसके ये लीव्स होते हैं ये ग्रीन होने की वजह से इनको और भी ज़्यादा अच्छी फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। तो मैं दोस्तों क्या करता हूँ, देखिए जब बारिश नहीं होती तो इस प्रकार से मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र जो चाय की पत्ती और केले के छिलके को सुखा के पीस के उसके पाउडर से बनाया हुआ है, जिसमें दोनों में ही फास्फोरस और पोटेशियम काफ़ी प्रचुर मात्रा में होती है। और आप सभी को पता है कि चाय की पत्ती फ्लावरिंग प्लांट्स में और केले का जो छिलके का कंपोस्ट है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बूस्टर होता है। तो इसको मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज करता हूँ, पर अभी बारिश के टाइम पर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज नहीं करना है। तो क्या यूज करना है, तो इसमें हमें यूज क्या करना है, केले का छिलका अगर आपने सुखा के पीस रखा है तो उसको आप दे सकते हैं, अगर आपने नहीं दे सुखा रखा है तो आप इसमें दीजिए बोन मिल, और बोन मिल के साथ आप इसमें दीजिए, अगर आपके पास रॉक फास्फेट है तो वो दे सकते हैं, उसके अलावा आप सीविड दे सकते हैं। और केले के छिलके को आपको क्या करना है कि अगर आपने सुखा के नहीं रखा है तो नॉर्मल हरा जो केले का छिलका है उसको इसके गमले में यहाँ पे रख दीजिए, जब बारिश होगी तो उसमें गीला होगा वो केले का छिलका और उससे जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो रिसके इस गमले में जाएगा और रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसमें बारिश में आप इसमें कंपोस्टिंग कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके अलावा बारिश में एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको दोस्तों, जैसे ये देखिए ये ब्रांच बेकार है, ड्राई हो रही है, तो हमें इसे कट कर देना है। तो दोस्तों ऐसी ब्रांचेज जो होती हैं ये पूरी तरह से ड्राई भी नहीं होती हैं और ये हेल्दी भी नहीं होती हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो है एनर्जी पौधे की वेस्ट करती हैं। इन ब्रांचेज को हमें कट कर देना है, और आप देख लीजिए ये देखिए ये जो टिप फ्लावरिंग के बाद सूख गई हैं, इस तरह से टिप इनको हटा देना है। तो आपको पूरे पौधे की एक तरह से सर्जरी करनी है कि जहाँ जहाँ बेकार पार्ट्स दिख रहे हों आपको, उनको आपको रिमूव करते रहना है। और उसके साथ ही दोस्तों आपको क्या करना है, जो इसके ड्राई लीव्स हैं या गार्डन की और भी जो ड्राई लीव्स हैं, देखिए इस प्रकार से इस मिट्टी में आ जाती हैं, तो बारिश की सीज़न में, और सीज़न में तो नहीं आम दिनों में, लेकिन बारिश के सीज़न में इन्हें हमें टाइम टाइम पे इस गमले से हटाते रहना है। क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है ज़्यादा तो ये पत्ते इसमें सड़ते हैं जिससे फंगस पनपता है। तो इस प्रकार से हमें इसकी मिट्टी की साफ़ सफाई ज़रूर करनी है, और जैसे ही आपको मिट्टी ड्राई लगे या बारिश बंद दिखे तो इसकी एक बार हल्की गुड़ाई ज़रूर कर दें। क्योंकि इसकी रूट्स मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ऊपर ही हैं जो फीडर रूट्स हैं, तो हल्की गुड़ाई करें, ज़्यादा डीप गुड़ाई करेंगे तो रूट्स को नुकसान पहुंच सकता है, तो वो नहीं करना, उससे बचना है। तो ये दोस्तों कुछ केयर टिप्स थे मधुकामनी में ढेर सारे फ्लावर्स लेने के लिए इस प्रकार से। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।